किसान दिवस आज केंद्रीय कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री देशरा किसाना ने दी बधाई। कृषि मंत्री कहा, केंद्र सरकार किसाना रा कल्याण खातिर प्रतिबद्ध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कहा, कोविड-19 रे कारण CBSE री 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा नहीं होवेली फरवरी में। देश में कोविड-19 रे सक्रिय मामला री संख्या 3 लाख सू कम। 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामला 10,000 सू कम। प्रदेश में कोरोना रा 807 नुआ मामला आया सामने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या, लोगों की जमा पूंजी हड़पबाड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां माथे कसियो शिकंजो, पीसा वापस दिलावा खातिर कानून में करे बदलाव। और प्रदेश में बांदलारी आवाजाही रे कारण न्यूनतम तापमान में वी बढ़ोतरी, माउंट आबू में तापमान 0 सू नीचे। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान दिवस माथे आज किसानों ने बधाई दी है। इन मौके वणा कहा कि केंद्र सरकार किसानों रा विकास ने लेर प्रतिबद्ध है। वणा कहा कि लारा 6 वर्षों से सरकार किसानों रा कल्याण खातिर लगातार प्रयासरत है। मीडिया ने संबोधित करता थका वणा कहा कि कोविड-19 रे दौरान भी किसान रिकॉर्ड फसल उत्पादन कर रहा है। आज किसान दिवस है, मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से देश भर के किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसानी का क्षेत्र हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी। कृषि के क्षेत्र में गत 6 वर्षों में काफी सुधार करने की कोशिश की गई है और अभी बहुत सारे सुधार इस क्षेत्र में किए जाना शेष हैं। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान भिन्न भिन्न स्तरों पर खेती अग्रणी अवस्था में आए और खेती का देश के GDP में योगदान बढ़े, किसान समृद्ध हो और देश का नौजवान भी खेती के प्रति आकर्षित हो, इस दिशा में लगातार अध्ययन मनन और विचार करते रहते हैं। समय समय पर भिन्न भिन्न माध्यमों से ये रिकमेंडेशन सरकार के पास आती है और सरकार अपनी सीमा में रहकर आर्थिक सीमा को दृष्टिगत रखते हुए उन पर विचार भी करती है, निर्णय भी करती है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न भी करती है। सभी विद्वानों के मतानुसार भी ये कृषि सुधार कानून लाए गए हैं और इन सुधार कानूनों को लाने से पहले कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान, कृषि यूनियन में काम करने वाले नेतागण और राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण और अनेक आयोग लगातार इस दिशा में संगठनों से बात करके यह कोशिश करते रहे कि एक ना एक दिन कृषि के क्षेत्र में भी रिफॉर्म होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र भी खुलने चाहिए, कृषि के क्षेत्र पर लगी हुई बंदिशें समाप्त होनी चाहिए और कृषि समृद्धता की ओर मुक्त बाजार के माध्यम से बढ़नी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसान दिवस रे मौके देशरा किसानों ने बधाई देता थका कहा कि सरकार किसानों का मुद्दा माथे गंभीर है। वणा कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों रे साथे संजीदगी से साथे वार्ता कर रही है। वणा किसान आंदोलन रा जल्द खत्म होबारी उम्मीद जताई है।
आज देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के उत्थान में अहम भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए कई किसान हितैषी नीतियों का मसौदा तैयार किया। 2001 में सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। किसान दिवस समारोह लोगों को किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का काम करता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं स्मरण एवं नमन करता हूँ। चौधरी साहब आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले और किसानों का मान सम्मान सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री उनकी प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं। किसानों का वो किसी सूरत में अहित नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वो जल्द ही अपने आंदोलन को वापस लेंगे। कोविड 19 महामारी ने देखता हुआ CBSE री 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी माह नहीं होवेली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कहा कि सरकार हमेशा छात्रा रा हित में फैसलो लियो है। इन परीक्षा ने लेर जल्दी ही नवी तारीखों रो ऐलान कर दियो जावेलो। देश में कोविड 19 रा सक्रिय मामलारी संख्या घटर 3 लाख सू भी कम होगी है। देश रा 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामला घटर 10,000 सू भी कम हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में और कमी आई है। प्रदेश में काल 807 नुआ संक्रमित मामला पाया गया। इनके साथ ही अठे अब ताई 286,481 संक्रमित आ चुका है। जदेदे 8 और मरीजों री मौत रे पछे इन महामारी सु मरबा वाले की संख्या 2,634 हो गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य महकमा रा आंकड़ा रे मुजब जयपुर में 163 नुआ संक्रमित पाया गया। इनके अलावा कोटा में 91, उदयपुर में 67, जोधपुर में 56, अजमेर में 60, डूंगरपुर में 32, राजसमंद में 36, नागौर में 28 नुआ कोरोना मरीज मिलिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि लोंगारी जमा पूंजी हड़प्बाड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां सू निवेशकों रो पैसो दिलाबारी संबंधित एजेंसियां कानूनी प्रावधानों रो अध्ययन कर आवश्यकता अनुरूप वणा में बदलाव करे। मुख्यमंत्री कहा कि यो एक अशो मामलो है कि इनके कारण लाखों लोगों रो मेहनत सू कमायो गयो पीसो गंवानो पड़ गयो है। मुख्यमंत्री निवास माथे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां रे खिलाफ प्राप्त शिकायतों रा संबंध में समीक्षा करता थका वणा कहा कि महा को प्रयास है कि निवेशका ने वणारा पीसा और अपराधियां ने सजा मिले। पहली रा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह री आज जयंती है। भरतपुर माए इनने श्रद्धा भाव रे साथे मनायो गयो। लोकदल रा जिलाध्यक्ष संतोष फौजदार बताया कि इन मौके एक समारोह में चौधरी चरण सिंह रा चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर वणा ने याद करियो गयो। इस संगोष्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री रा व्यक्तित्व और कृतित्व माथे वक्तावा ने प्रकाश डालियो। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी जो देश के किसानों के मसीहा रहे, उनका 118वां जयंती है, जिसको आज हम यहाँ भूरी सिंह व्यायामशाला और राष्ट्रीय लोकदल भरतपुर के संयुक्त तत्वावधान में मनाया जा रहा है। जयपुर रा दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत नवनिर्मित कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र भवन रो आज कृषि मंत्री लालचंद कटारिया लोकार्पण करिया। वणा नवनिर्मित भवन रो निरीक्षण कर जायजो लिया। इन मौके श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर रा कुलपति डॉक्टर JS संधु समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। किसानों को जो जानकारी दी जाएगी, जो नवाचार है किसानों को, नई तकनीकी है, सीड है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है, छोटे छोटे सेमिनार हमारे जो होती रहती है विभाग की तरफ से, उनको बुला के यहाँ जो नया जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि उसको अपने खेत में
आसानी से वो उपयोग कर सके। तो ज्ञान केंद्र आज हमने जो म्यूजियम के रूप में एग्रो टेक्नोलॉजी म्यूजियम बनाया है, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार से हमें अनुदान प्राप्त हुआ। मल्टीपर्पज़ ये है कि ये नहीं है कि ये अकेला स्टूडेंट के लिए है या किसानों के लिए है, तो इसमें किसान भी आ सकता है, स्टूडेंट भी आ सकता है, जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं जिनकी जिज्ञासा रहती है एग्रीकल्चर को जानने के लिए, तो ऐसे उसमें मॉडल प्रतिष्ठित किए हैं। राजस्थान एग्रीकल्चर वो क्या क्या है, क्या उसके कंपोनेंट हैं और कैसे आगे बढ़ेगी वो उस दिशा में, और क्योंकि टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे जो विकास हो रहा है उस दिशा में मॉडल को पूरा को उसको दिया है। इसी के साथ साथ इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या इस संस्थान में जो भी नई वैरायटीज़ या जो डिफरेंट क्रॉप की बनी हैं उनका प्रदर्शन है कि कैसे कैसे हमारी वैरायटीज़ का इवोल्यूशन हुआ, और आज मुझे ये बताया गया कि जो यहाँ की वैरायटीज है गेहूँ की और उसका पूरे राजस्थान में जो भी वैरायटीज उगाई जाती है उसका 80% जो है यहाँ की वैरायटी का योगदान है। इसका मतलब 80% जो यहाँ की टेक्नोलॉजी बनाई है वो फार्मर को पसंद है। बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रो पहलो वर्चुअल किसान मेला रा दूसरा दिन आज कई आयोजन हुआ। पहली रा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह री जयंती माथे कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह वणारा व्यक्तित्व ने अनुकरणीय बताया। कुलपति चौधरी चरण सिंह स्मृति उत्कृष्ट किसान सम्मान पुरस्कार भी दियो। चौधरी चरण सिंह स्मृति उत्कृष्ट किसान सम्मान पुरस्कार की घोषणा करते हैं, जिसको हम 6 जिलों के 7 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान भाई पुरस्कार के लिए अपने आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए हमने विश्वविद्यालय ने एक कमेटी गठित की है जिसमें निदेशक प्रसार शिक्षा, निदेशक अनुसंधान, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बीकानेर को रखा है। इस सम्मान का उद्देश्य किसानों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना है, किसी की सफलता की कहानी, और जो भी किसान भाई इसमें भाग लेंगे और उनको जिनका उनको चयनित किया जाएगा और उस आधार पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आजादी रे पछे भारतीय खेती में बड़ो बदलाव आयो है। केंद्र सरकार 3 कृषि विधेयकों ने कृषि सुधार में अहम बताता था का विधेयक पारित करया। इन बिल रा समर्थन में चूरू रा किसान आगे आया है। काश्तकारों कहनो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद जारी रहेली। कुछ शक्तियां किसानों ने भ्रमित करबा में लगी हुई है, पण इन बिल सू किसानों रो मुनाफो बढ़ेलो। ये मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए जो बिल पास किया हम लोगों के लिए फायदेमंद है। किसी भी मंडी में हम हमारा अनाज बेच सकते हैं और हमारे अनाज के खुद हम मालिक हैं, उसके अंदर हमें किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं देनी पड़ती है, और जो बिचौलिए जो होते हैं हमसे दलाली वगैरह लेते हैं उनसे हम लोगों को छुटकारा मिल जाता है। जो प्रधानमंत्री ने बिल पास किया है किसानों के लिए लाभप्रिय है। ये जो पहले जो माल अपनी ही मंडी में बेच सकते हैं, देश में कहीं भी जाकर हम बेच सकते हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। इसके अलावा जो ये बिचौलिए थे पहले, उनकी खाद रोटी बंद हो गई है, बंद होने के कारण वो लोगों को भरमा रहे हैं, और ये बहुत ही लाभप्रिय है और हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो हम किसानों के लिए लाया हुआ जो ये बिल है, ये तीनों बिल हम किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारी जो भी पैदावार में जो फसल हो रही है इसको हम कहीं भी जहां अच्छे दाम मिलेंगे हम वहां बेच सकते हैं। इससे हमें बिचौलियों से छुटकारा मिला है। जो कुछ राजनीति के रोटियां सेकने वाले लोग हैं वो इसकी खिलाफत कर रहे हैं, किसानों के हमारे लिए किसान भाइयों के लिए हमारे बहुत ही फायदेमंद है और हम इस बिल का स्वागत करते हैं। इस बिल से हम काफ़ी खुश हैं और जो पीछे हमने जो मूंग बैठ जो बेचे हैं उनसे हम बहुत ही लाभ हुआ है और बहुत ही अच्छी रेट पर बेचे हैं। राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा रो उल्लंघन करबा माथे पुलिस 24 घंटा में 1040 मामला में कार्रवाई कर 1,36,000 से ज्यादा रुपया रो जुर्मानो वसूल करियो।
वठे रात्रिकालीन कर्फ्यू रो उल्लंघन करवा माथे 63 वाहना माथे कार्यवाही कर 2,68,700 रुपया रो जुर्मानो वसूल कर्यो गयो। राज्य बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल दौसा जिलारा विभिन्न गांव में जार स्कूलारो निरीक्षण कर्या। निरीक्षण रे दौरान टाबरा ने गुड टच और बेड टच रे बारे में बताया। आयोग री अध्यक्ष बेनीवाल कहा कि अब अभियान चलार बाल अधिकारा प्रति टाबरा ने जागृत करेला वठे वनारा परिजन ने भी इनरे बारा माए जानकारी दी जावेली। सभी जगह सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श गुड टच बैड टच की जो प्रत्येक शनिवार को आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नो बैग डे घोषित किया गया है, उसमें हमने आदरणीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी के माध्यम से कहा है, साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग को भी कहा है कि शनिवार को कोमल मूवी के माध्यम से सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श क्या होता है वो, और आयोग का एक और रहेगा उद्देश्य कि उनके माता पिता को भी इसके साथ में जागरूक किया जाए कि वो भी आस पड़ोसी घर रिश्तेदार दूर का उन सबके भरोसे बच्चे को ना छोड़े। अक्सर हम देखते हैं मामले इसी तरह के सामने आते हैं, तो उसके लिए भी जागरूक करेगा आयोग बच्चों को ही नहीं उनके माता पिता। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के तहत आज CSIR जयपुर केंद्र में स्टूडेंट इंजीनियरिंग मॉडल कॉम्पिटिशन एंड एक्सपो रो उद्घाटन करियो गयो। वर्चुअल आयोजित इन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री संजय श्याम राव धोत्रे कहा कि इन तरह का आयोजन युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखावा खातिर मंच प्रदान करे है। विज्ञान भारती राजस्थान रा सचिव और SEMC रा राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर मगेंद्र शर्मा बताया कि इन वर्ष कार्यक्रम रो विषय आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण रा विज्ञान रखियो गयो है। इनरे तहत देश विदेश रा छात्र अपना प्रोजेक्ट भेजा है जिन माथे जूरी मेंबर अपनो निर्णय लेवेला। भारत एंड ग्लोबल वेलफेयर इस थीम को लेकर के हमारी जो 40 गतिविधियां हैं उनमें एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग की मॉडल कंपटीशन की जो गतिविधि है जो सीरी प्लानी जो हमारा राजस्थान का सेंटर है इसमें यह आयोजित होने जा रहा है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स हमारे इंजीनियरिंग के हैं नॉन इंजीनियरिंग के हैं या अप्रवासी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम विभिन्न 5 थीमों पर पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। इसमें हमने टोटली मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया और पार्टिसिपेट किया, उसमें से हमने टॉप 100 मॉडल्स को सेलेक्ट किया है। टॉप 50 मॉडल्स होंगे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, इसको हमने प्राइजेस भी दिया जाएगा और सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। और न सिर्फ अब की बार कुछ मॉडल्स विदेश से भी आए हैं जो कि भारत के सेल्फ रिलायंट भारत की दिशा में है, तो इससे हमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेश में रहने वाले हमारे NRI या जो ऐसे स्टूडेंट जो इस दिशा में कुछ कार्य करते हैं उनके मॉडल्स और आइडिया लेने का भी फ़ायदा मिल रहा है, ये सिर्फ ऑनलाइन होने की वजह से। तो इसमें कोरोना महामारी से कह सकते हैं कि हम ये फ़ायदा ले रहे पा रहे हैं कि हम नए आइडियाज और नए लोगों से जुड़ पा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल रा सीमांत मुख्यालय राजस्थान रा महानिरीक्षक आयुष्मनी तिवारी सीमावर्ती जैसलमेर क्षेत्र रो दौरो करियो। वना अधिकारियों सु जैसलमेर सु लागती भारत पाक सीमा माथे सुरक्षा संबंधित इंतजामा रो जायजो लियो। इन दौरान वना BSF रा अधिकारियों सु सुरक्षा संबंधित तमाम विषयों माथे विचार विमर्श कर्या। जवानों ने मुस्तैद रेबारे साथे वर्तमान परिस्थितियां रे मद्देनजर हर टाइम सजग और अवांछनीय गतिविधियां सु कड़ाई सु निपटबा खातिर निर्देश दिया। प्रदेश रा न्यारा न्यारा हिस्सा सु आई आशा कार्यकर्ता आज जयपुर में न्यूनतम वेतन निर्धारित करबा और स्थायीकरण करबा सेती विभिन्न मांगा ने लेर धरनो दियो। आशा कार्यकर्ता रो कहनो है कि राज्य सरकार वणारी अनदेखी कर रही है। हर जिले से आशाएं इकट्ठी हुई है, हमारी मुख्य मांग है कि हमें नियमित किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, जो राज्य कर्मचारी की जो तनख्वाह आती है वो हमारी आए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्रिसमस सुरो त्योहार नजदीक आवार साथे ही राजधानी जयपुर रा न्यारा न्यारा चर्च में इंडरी तैयारियां शुरू होगी है। अठे रोशनी खातिर पर्याप्त लाइटिंग क्रिसमस ट्री और केक बनाया जा रहा है। चांदपोल स्थित सेंट एंड्रयू चर्च रा संयुक्त सचिव राजेश मैसी बताया कि इन बार कोरोना महामारी रो ध्यान में रखता हुआ क्रिसमस पर्व माथे सरकारी गाइडलाइन रो पूरी तरह पालन करो जाएगो।
कोविड 19 के जो भी इसकी गाइडलाइंस है उसके हम उसके तरीके से चलने के लिए वो पूरा हमारा वो है प्लान। और जैसे भी अगर 50 वैसे 50 जनों का हमारा आने का है और हम एक बेंच पे दो दो जनों को बैठाने की व्यवस्था है और सैनिटाइज का और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया करने का है। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हम उस पर पूरा ध्यान रखेंगे। आओ अब बात करा आपनी और दूजा री हिफाजतरी। कोविड 19 नू बचाव वास्ते डीडी न्यूज कानी सू एक खास अभियान चलाया जा रहा है मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरिया हाले मास्क ही वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातिर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। प्रदेश भर में तापमान में उतार चढ़ाव रे बीच सर्दी रो दौर जारी है। अधिकांश जिला में दिन और रात रा तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में शीतलहर रो असर कम हो रही है। इनसु लोगों ने सर्द हवावां सु राहत मिली है। मौसम विभाग रो कहनो है कि आंशिक तौर माथे बादल छाया रहेला और तापमान भी स्थिर बन्यो रह सके है। कोविड 19 बचाव वास्ते देश भर में सावचेती अभियान चल रो है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातिर कई है एहतियाती उपाय। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, सदा चेहरे पे रखना। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय पर चर्चा आप वहाँ का यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान पर देख सको हो और खबरां और अपडेट खातिर वहाँ का ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने फॉलो भी कर सको हो। अब खास खास खबरां एक बार फिर किसान दिवस आज केंद्रीय कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री देशरा किसाना ने दी बधाई। कृषि मंत्री कया केंद्र सरकार किसाना रा कल्याण खातिर प्रतिबद्ध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरिया निशंक कया कोविड 19 रे कारण सीबीएसई री 10वीं और 12वीं री बोर्ड परीक्षा मां नी होवेली फरवरी में। देश में कोविड 19 रा सक्रिय मामला की संख्या 3 लाख सू कम। 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामला 10,000 सू भी कम। प्रदेश में कोरोना रा 807 नुआ मामला आया सामे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या लोगारी जमा पूंजी हड़पबाड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां माथे कसियो शिकंजो। पीसा वापस दिलावा खातिर कानून में करें बदलाव। और प्रदेश में बादलारी आवाजाही के कारण न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी। माउंट आबू में तापमान 0 से नीचे। एक साथ ही समाचार बुलेटिन 8 समाप्त हुए। नमस्कार।